इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के लिए जो मार्च 2021 एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक दी गई है उसे। ये है साइंस 2 की क्वेश्चन बैंक और इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, डैश प्रोसेस। तो ये ऑप्शंस है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड म्यूटेशन। तो ये चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना है और ये हमारा टेक्स्ट बुक का ही फिल इन द ब्लैंक है। डीएनए से एमआरएनए पे जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फर्स्ट स्टेप है ना पूरा प्रोटीन सिंथेसिस में, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये आंसर आएगा सी ट्रांसक्रिप्शन। आप आंसर लिखोगे तो इसका कोड भी आपको लिखना जरूरी है, सी ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता होगा कि ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जो आई है वो मराठी में है। ये देखिए ये मराठी में क्वेश्चन बैंक है, इसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये साइंस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मराठी के क्वेश्चन बैंक में ये वाला है, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, है ना, माहिती आरएनए ये जो है ये। तो ये जो है ये सवाल मराठी में, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ये सारे टर्म्स जो है स्थानांतरण, भाषांतरण मतलब ट्रांसलेशन, भाषांतरण मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तो स्पेसिफिकली हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करके हमने आपके सामने ये पूरी क्वेश्चन बैंक तैयार की है। तो दिस इज द ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक। अगर आप कोई और क्वेश्चन बैंक देख रहे हो तो वो इन जनरल क्वेश्चन बैंक कोई भी बना सकता है, पर ये ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने दी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे काफी सारे सवाल आएंगे बोर्ड एग्जाम में और आगे भी फ्यूचर में काफी सारे सवाल इसमें से आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक है, हर एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन बैंक दी गई है ये क्वेश्चन वाइज है, जैसे देखिए लाइन से एमसीक्यूज है, तो ये पूरे लाइन से हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज है और वेगड़ा घटक ओरखा मतलब ऑड वन आउट, तो ये सारे लाइन से क्वेश्चन है, पर हम इसे जो है क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे क्वेश्चन को। तो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर के, वो सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये है, तो यहाँ पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी हम एक्चुअली आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चैप्टर वाइज पीडीएफ वीडियो सारे 20 चैप्टर, साइंस 1 के 10 है, साइंस 2 के 10, पूरा कवर किया जाएगा चैप्टर वाइज, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर एग्जाम, क्योंकि काफी सारे सवाल इस क्वेश्चन बैंक से आ सकते हैं। तो ये आपको अगर अवेल करना है तो आप हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स आप प्रोवाइडेड है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस इज डैश एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो ये क्या है हमारा, चार ऑप्शंस दिए गए अगेन, तो इनिशियल स्टेजेस में सिमिलैरिटीज, तो ये हमारी एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। तो इनिशियल स्टेजेस मतलब जब ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की, तो इनिशियल स्टेजेस जो एम्ब्रायो स्टेज होता है तब सिमिलैरिटीज होती है, तो उसे कौन सा कहते हैं एविडेंस, तो चारों में से ऑफकोर्स एम्ब्रायोलॉजिकल फिट होता है यहाँ पे, तो दिस इज द एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये देखिए हमारे टेक्स्ट बुक से लिया गया है, सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस जो है जब ग्रोथ होती है, तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए, तो उनका जो एम्ब्रायो होता है फर्स्ट स्टेज होता है, जैसे ह्यूमन बच्चा भी पैदा होता है तो इनिशियल 9 मंथ्स में ये बच्चा बनता है ना, लेकिन ये जो इनिशियल स्टेज होता है जो एम्ब्रायो होता है वो ऐसा दिखता है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स, फिश का, सैलेमेंडर, टॉर्टॉइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट और मैन, सारे एम्ब्रायो जो फर्स्ट स्टेज है नंबर 1 स्टेज, इसमें दिखे सिमिलर दिखते, सेकंड स्टेज में अलग अलग हो जाते हैं, थर्ड स्टेज में तो एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये टॉर्टॉइज है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ये फिश है, ये ह्यूमन है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज में सिमिलैरिटी है वो इनिशियल स्टेज, सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस इन एम्ब्रायोस, तो ये इसको एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। फिर आते हमारे थर्ड एमसीक्यू पे, देखिए डैश इज आर दी वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी क्या क्या है, ये है विजडम टीथ, मसल ऑफ योर पिना एंड बॉडी हेयर। तो ये देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है ना, विजडम टीथ, बॉडी हेयर, मसल ऑफ योर पिना, टेल बोन एंड अपेंडिक्स, दीज आर द 5 वेस्टिजियल ऑर्गन जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी में है, जैसे अपेंडिक्स है, हमारी टेल बोन भी है यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका कोई फंक्शन नहीं, लेकिन ये फिर भी हमारी बॉडी में, एक्चुअली रूमिनेंट्स में काम आता है, जैसे काव वगैरह में अपेंडिक्स काम आता है डाइजेशन के लिए, हमारी बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। टेल बोन भी, टेल होती है एनिमल्स में, उनके लिए जरूरत है, लेकिन हमारे पास तो टेल भी नहीं है, तो ये टेल बोन क्यों है। विजडम टीथ है, मसल ऑफ योर पिना है, तो दीज आर ऑल वेस्टिजियल ऑर्गन, इवन बॉडी हेयर इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। तो ये जो है ये हमारे टेक्स्ट बुक के जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उनमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन मराठी में भी,
है ना, हे मानवी शरीरातील अवशेष अंग आहे। तो ये यहाँ पे जो लिखा है ना कानांचे स्थायु, तो ये याद रखना कि कानांचे स्थायु मतलब ईयर पीना इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन मसल होता है यहाँ पे, मसल ऑफ ईयर पीना इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये मसल्स वेस्टिजियल है, मतलब कान तो हमारा होना चाहिए, कान का ये पूरा पार्ट होना चाहिए, लेकिन कान में एक मसल है जिसकी वजह से मंकीज जैसे अपने कान हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ईयर पीना के लिए काम आते हैं। तो मंकीज को उसकी जरूरत होती है बेटर हियरिंग के लिए, ह्यूमंस को उसकी जरूरत नहीं होती है। तो काफी लोग तो हिला भी नहीं सकते, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जिनके मसल्स ये स्ट्रांग भी होते हैं, वो अपने कान हिला भी सकते हैं ऐसे, जैसे आई थिंक आमिर खान भी ऐसे करता है, उसके कान ऐसे वो हिला सकता है विदाउट टचिंग ऐसे। तो वो मसल जो है वो एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है उसकी हमें। तो हमारा एमसीक्यू में भी सवाल वैसे ही दिया है, पर एक्चुअली स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए क्योंकि विजडम थी तो बॉडी है तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी बुक में लिखा है, तो मसल ऑफ ईयर पीना भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये आंसर आएगा ऑल दी अबव। लेकिन अगर क्वेश्चन में ईयर पीना भी सिर्फ लिखा है तो आप उसको भी सिलेक्ट कीजिए, ऑल दी अबव ही आएगा, बट टू बी प्रिसाइज करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए मसल ऑफ ईयर पीना। तो ये तीन जो है हमारे एमसीक्यूज है इस चैप्टर से, आगे के एमसीक्यूज ये चैप्टर के लिए, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फिर ये मेलेनिन वगैरह सेकंड चैप्टर से आता है लाइफ प्रोसेसेस से। तो फर्स्ट थ्री एमसीक्यूज आर फ्रॉम चैप्टर वन, देन क्वेश्चन वन बी आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट के क्वेश्चंस जो है चैप्टर वन से वो देखेंगे। ये देखिए फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशन। तो चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है, ये क्लियर है म्यूटेशन इज द ऑड वन आउट, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट म्यूटेशन आर स्टेप्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, जो हमारा स्टार्टिंग में चैप्टर में हेरिडिटी में। तो ये तीन स्टेप्स चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट है नंबर टू लीफ वेनेशन, सीड शेप, लीफ पिटियोल, लीफ स्ट्रक्चर, ये सब में से ऑड वन आउट किया है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में मेंशन है हमारी टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे सीड शेप नहीं मेंशन है हमारा। तो ऑल एक्सेप्ट सीड शेप आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, कि हर एक प्लांट में लीफ में ऐसे लाइन्स होती है जो वेनेशन होता है, लीफ पिटियोल होता है लीफ का जो है ना इनिशियल पार्ट होता है जो पिटियोल, और लीफ का स्ट्रक्चर भी जैसे है ऐसे ना पत्ते का जो शेप होता है, जनरली सारे पेड़ के पत्ते अलग अलग शेप के होते हैं पर सिमिलैरिटी है, सेम नहीं है पर सिमिलैरिटी है, तो दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एक्सेप्ट सीड शेप। जैसे ये देखिए ये सारे वीन्स जो लाइन्स होती है पत्तों पे उसे वेनेशन कहते हैं, वीन्स है तो ये वेनेशन बोलते हैं, लीफ वेनेशन, लीफ शेप, और ये लीफ पिटियोल मतलब ये जो पत्ते का इनिशियल पार्ट होता है ना इसे, ये स्टेम जैसा जो होता है ये इनिशियल पार्ट, इसको पिटियोल कहते हैं। तो ये सारे सिमिलर होते हैं सारे प्लांट्स में, सो दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ऑड वन आउट है सीड शेप। थर्ड है ये भी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है हमारी टेक्स्ट बुक में, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिना। सब में आईज आंख जहाँ पे पोजिशन जहाँ आंख की होती है सारे एनिमल्स में, और नॉस्ट्रिल्स नाक का जो स्ट्रक्चर होता है ना नाक के खड्डे जो है उसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और ईयर पिना कान जो है, तो ये सब में सिमिलर होता है एनिमल्स में। और स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन हैंड जो है ये भी सिमिलैरिटी दिखाई गई है पर ये मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, बॉडी के अंदर जो बोन्स है उनमें सिमिलैरिटी है तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन हैंड इज ऑड वन आउट, ऑल एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन हैंड आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस इन एनिमल्स, ये एनाटॉमिकल एविडेंस है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन हैंड। देखिए हमारे टेक्स्ट में लीफ शेप, लीफ फेनेशन, लीफ पिटियोल, यहाँ पे भी है पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिना, है ना, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी, सब एनिमल्स में सिमिलर है ना, कान भी सबके ऐसे ही है, आईज इधर ही रहती है, नाक का जो शेप होता है, नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं नाक के खड्डे, तो दीज आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो उस हिसाब से हमारा ऑड वन आउट यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन हैंड, क्योंकि ये जो हमारा एविडेंस है ये एनाटॉमिकल में है। ये नेक्स्ट वाला उसका ही बारे में आ रहा है एनाटॉमिकल का। ये देखिए फोर्थ वन ऑड वन आउट क्या क्वेश्चन है, विंग ऑफ बर्ड मतलब पंछी का पर, ह्यूमन हैंड, ऑक्सिस फोरलिम, पैटेगियम ऑफ बैट, मतलब ये बैट का जो विंग होता है वो। तो ये चार में से ऑड वन आउट विंग ऑफ बर्ड है, क्योंकि हमारी बुक में ये दिए गए डायग्राम्स के कैसे बाकी सब में जो है एनाटॉमी जो सेम है, बोन स्ट्रक्चर जो है इनका सेम है, तो ऑल एक्सेप्ट विंग ऑफ बर्ड आर एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो ये ऑड वन आउट है। ये देखिए ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, ह्यूमन हैंड, ऑक्सिस फोरलेग, ये मेरी ओल्ड बुक में ऐसे लिखा था लेकिन ये करेक्ट न्यू बुक में अभी टाइप प्रिंटेड यही है, ऑक्सिस फोरलेग, पैटेगियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ विंग। तो इसमें से तीन हमारे क्वेश्चन में है, ये देखिए है ना, ह्यूमन हैंड, ऑक्सिस फोरलिम, पैटेगियम ऑफ बैट, ये तीन है और विंग ऑफ बर्ड नहीं है इधर, है ना, फोर्थ है एक्चुअली फ्लिपर ऑफ व्हेल, तो वो नहीं दिया है, विंग ऑफ बर्ड एक्चुअली ऑड वन आउट है। तो ये हो गया ऑड वन आउट। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग, ये सिंपल है, कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन है, आई एम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, हु एम आई, तो ऑफ कोर्स ये है डक्ट बिल्ड
प्लैटिपस, हमने ऑलरेडी देखा है, तीन कनेक्टिंग लिंक्स हमारी बुक में, तो ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. तो ये भी टेक्स्ट बुक से, ये मेंडल हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जेनेटिक्स के बारे में, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो पायनियर मतलब स्टार्ट करने वाला, शुरू करने वाला, तो मॉडर्न जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाला पायनियर किसे कहा जाता है, जोहान ग्रेगर मेंडल. ये हमारी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे ही है, ये देखिए जोहान ग्रेगर मेंडल पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फर्स्ट पेज पे हमारा चैप्टर जहां स्टार्ट होता है वहीं पे है ये, है ना. तो ये जोहान ग्रेगर मेंडल. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, वो है विच प्रोसेस इज शोन इन द फिगर बिलो. इस प्रोसेस में, इस फिगर में कौन सा प्रोसेस बताया गया है. तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो ये दो रिबन दो एंड्स वाला, ये इसे डीएनए कहते हैं, और ये हाफ जो है ये आरएनए, ये एमआरएनए है. तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिखा भी है, और ये प्रोसेस आंसर भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आएगा. ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका, है ना. ये कौनती क्रिया दाखव लिया है, मतलब विच प्रोसेस इज शोन, तो ये प्रतिलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन है. तो सिर्फ इतना ही लिखना, और क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है ये, सो इट्स वेरी सिंपल. फिर एंड फक्त नाम लिखा, मतलब सिर्फ नाम लिखना है, सेंटेंस भी नहीं लिखना है, नेम द फॉलोइंग. फोर्थ है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक इन विच डार्विन पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो ये बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, हमारी बुक में ही है, टेक्स्ट बुक में लिखा है. तो ये आंसर हो गया. फिफ्थ है, विच प्रोसेस इज शोन इन द फिगर बिलो. इस फिगर में कौन सा प्रोसेस दिखाया गया. तो देखिए ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये टी ए ए सी टी, ये सारे, तो ये न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है ना. तो जब न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, उसे रिप्लेसमेंट आ जाता है यहाँ पे, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं. ये म्यूटेशन का डायग्राम हमारी टेक्स्ट बुक में है भी है, ये देखिए म्यूटेशन. तो इसमें एक्चुअली दिया नहीं है नाम, तो आपको लिखना है म्यूटेशन, आंसर इज म्यूटेशन. फिर नेक्स्ट है, नेम द पार्ट्स इन द फिगर बिलो. तो इस फिगर में क्या पार्ट दिखाया गया है, ये विजडम टीथ दिखाया गया है, तो वही हमने लिखा. तो यहाँ नेम द फॉलोइंग पूरा होता है चैप्टर 1 से, हेरिडिटी से. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 1B का थर्ड, कंप्लीट द कोरिलेशन. मतलब टेल बोन जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन है, वैसे पेरिपिटस क्या है. तो पेरिपिटस इज कनेक्टिंग लिंक, हमें पता है ये, तो ये आंसर हो गया. फिर ये सेकेंड जो कंप्लीट द कोरिलेशन है, वो लिखा है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन. ये एक्चुअली आपकी क्वेश्चन मार्क में ऐसे लिखा है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन ये एवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन को उत्क्रांति कहते हैं, उत्क्रांति नहीं, एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन. जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो डार्विन की भी, और ये नेक्स्ट लेमार्क है आपका ब्लैंक यहाँ पे. तो डार्विन और लेमार्क दोनों ने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन दी है. डार्विन की थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. तो आपका भले क्वेश्चन गलत हो, आंसर यही आएगा, भले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी लिखा हो, डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, और जो लेमार्क की थ्योरी उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन बैंक में जो दिया है वो मैं बताऊं आपको, ये देखिए सहसंबंधी लिहा कोरिलेशन. तो ये देखो उत्क्रांति सिद्धांत डार्विन, और ये डैश करके लेमार्क. तो उत्क्रांति मतलब एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने, तो दोनों ने दिया. तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में ये है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, और जो लेमार्क ने दिए वो देखिए यहाँ है प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स. थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. तो ये हमारा आंसर आएगा, तो दिस इज द आंसर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है. फिर थर्ड कोरिलेशन यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो अगर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, अभी हमने डायग्राम भी देखा, न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो म्यूटेशन, हमने डायग्राम को नाम देना था, तो म्यूटेशन आएगा. अगर चेंज इन पोजीशन ऑफ राइबोसोम है, तो उसे क्या कहते हैं. तो ये एक्चुअली चेंज इन पोजीशन ऑफ राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स में आता है, ट्रांसलोकेशन स्टेप में आता है. ये देखिए यहाँ हमारी बुक में, राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. जब राइबोसोम चेंजेस इट्स पोजीशन, ये राइबोसोम मूव होता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो वो हमारा आंसर है ये देखिए, तो दिस इज ट्रांसलोकेशन. न्यूक्लियोटाइड पोजिशन चेंज करे तो म्यूटेशन, राइबोसोम अपना पोजिशन चेंज करे तो ट्रांसलोकेशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये हमारे कंप्लीट द कोरिलेशन हो गए फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी से. फिर क्वेश्चन 1B और एक है, फिफ्थ टाइप, वो है स्टेट वेदर ट्रू ऑफ फॉल्स. तो उसका सवाल है, आफ्टर डेथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C12 अकर्स कंटिन्यूअसली. सो ये कार्बन 12 है, कार्बन आइसोटोप्स होते हैं C12 C14. सो दो कार्बन आइसोटोप्स में से जो कार्बन 12 है ये नॉन रेडियो एक्टिव है, और C14 जो है ये रेडियो एक्टिव है.
तो रेडियो एक्टिव जो है वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसके बाद भी डीके होते रहता है, और C12 नहीं होता। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टेटमेंट लिखा है कि डेथ के बाद C12 डीके होता है, तो ये उल्टा लिखा है। C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, C14 होता है, कार्बन 14 जो है उसका डीके कंटिन्यूअसली चालू होता है। तो उससे हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से हम उसकी डेट भी पता कर सकते हैं कि कितना डीके हुआ है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है फॉल्स से करेक्ट स्टेटमेंट ये है। तो ट्रू और फॉल्स का इस चैप्टर से यही एक सवाल है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग है ना, आपको आप C12 C14 में मैं टेक्स्ट में दिखा दूंगी, ये देखिए है ना, ओनली द डीकिंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूअसली आफ्टर डेथ है ना, एंड C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, तो कार्बन डेटिंग मेथड का पूरा प्रोसेस है। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग का सवाल है, तो ये देखिए दो कॉलम दिए है, एनाटॉमिकल एविडेंस पैलियोटोलॉजिकल एविडेंस दो दिए है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन जो दिए है तीन थे एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में, टेल बोन एंड विजडम टीथ, लीफ शेप एंड लीफ फॉर्मेशन, एंड रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पैलियोटोलॉजिकल ये फॉसिल्स के रिलेटेड है, तो फॉसिल्स के डेफिनेशन में आता है रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम से हमें पता चलता है ना, जो उनके छापे पड़े हैं। तो ये जो है ये टू को सी से हम कनेक्ट करेंगे, और एनाटॉमी मतलब बोन्स के रिलेटेड, तो एनाटॉमी यहाँ पे टेल बोन एंड विजडम टीथ इज नॉट एनाटॉमिकल, ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, ये लीफ भी है मॉर्फोलॉजिकल है, तो डी जो है इसके साथ डी कनेक्ट होगा। तो ये देखिए शरीर शास्त्रीय पुरावे, पुरावे मतलब एविडेंस, शरीर शास्त्रीय मतलब बॉडी एनाटॉमी है ना, तो ये जो है इसका हम जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तीनों में से नहीं आएगा है ना, माकड़ हाड़ मतलब टेल बोन, अक्कल डाड़ मतलब विजडम टीथ, तो टेल बोन विजडम टीथ नहीं आएगा ना, पान पान मतलब लीफ, लीफ चाकार ये सब भी नहीं आएगा, तो एक्चुअली इसका आंसर हमने एक्स्ट्रा जो दिया है वो कनेक्ट होगा, एनाटॉमिकल एविडेंस। हमने मराठी टेक्स्ट बुक भी खोली है, मराठी मतलब ट्रांसलेट करने के लिए मराठी की जो साइंस 2 की टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करके भी हमने हर एक वर्ड का मीनिंग देख के किया है, तो इट इज हार्ड वर्क, तो वो करके हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है, तो उसके चांसेस बहुत कम है। ये देखिए एनाटॉमिकल एविडेंस का नाम याद दिया, ये देखिए है ना शरीर शास्त्रीय पुरावे, तो वो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे शरीर शास्त्रीय पुरावे के, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमने दिया है फोर्थ ऑप्शन हुआ आएगा, पैटेगियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट डेफिनेशन, ये भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, मतलब क्वेश्चन 1A एमसीक्यूज होते हैं, 5 एमसीक्यूज, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और फिर 1B अगेन 5 मार्क के, 1-1 मार्क के सवाल होते हैं, उसमें ये कोई भी टाइप का आ सकता है, 1 मार्क के लिए मैच द फॉलोइंग, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए ट्रू ऑफ फॉल्स, 1 मार्क के लिए ऑड वन आउट एक्सेट्रा है ना। तो ये देखिए राइट डेफिनेशन में क्या है, ये फर्स्ट है ट्रांसलेशन का डेफिनेशन, सेकंड ट्रांसलोकेशन, एंड थर्ड म्यूटेशन। तो सिर्फ डेफिनेशन हमें लिखना है, बहुत सिंपल है। ये देखिए ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या है, एज पर द मैसेज ऑन mRNA एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA। तो ट्रांसलेट करना मतलब फर्स्ट स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन, जब DNA के इंफॉर्मेशन से mRNA बना है ना, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ DNA टू mRNA इज ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा फर्स्ट MCQ था। तो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसलेशन, देन ट्रांसलोकेशन। तो DNA से इंफॉर्मेशन mRNA में आ गई, अब mRNA वो मैसेज लेकर आता है, तो mRNA पे क्या मैसेज है कि कौन से एमिनो एसिड सप्लाई करने, उसका इंफॉर्मेशन है कि कौन सा वाला एमिनो एसिड चाहिए, मतलब जैसे हम किचन में होते हैं ना बहुत सारे मसाले समझो, तो कौन सा वाला मसाला देना है, कौन सी वाला इंग्रेडिएंट लेना है, तो वो कोड है हर एक का, 3-लेटर कोड है। तो ये जो ट्रिपलेट कोडन हमारा होता है तो वो कोड होता है 3-लेटर कोड, तो कोड पढ़ के हम वो ले सकते हैं। तो ये हमारा असिस्टेंट है tRNA जो है ना, ये हमारा वो काम करता है, तो एमिनो एसिड ये सप्लाई करता है, एमिनो एसिड आर सप्लाइड बाय tRNA। तो इस tRNA कैसे एमिनो एसिड सप्लाई करता है, ये रीड करता है, तो इसके पास रीडर है मतलब एंटीकोडॉन है, मतलब कोडॉन से मैच करके, अब ये तो ह्यूमन नहीं है ना कि आंख हो हाथ हो, तो ये एंटीकोडॉन होता है इसके, तो वो मैच करता है कोडॉन के साथ कि ये मेरा इसके साथ मैच होता है, तो एंटीकोडॉन यूज करके कोडॉन पढ़ पढ़ के वो करेक्ट एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है ना, जैसे हम है ना दो चीजें होती है ना जैसे एक साथ जुड़े, तो वो ऐसे एंटीकोडॉन होते। तो एज पर द मैसेज ऑन mRNA एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA फॉर व्हिच tRNA हैज एंटीकोडॉन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक में से आंसर लिया है हमने, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन का डेफिनेशन है ना, ये tRNA ये एंटीकोडॉन है इसके पास, तो ये जो mRNA मैसेज लाया है उसको एंटीकोडॉन ये पढ़ पढ़ के वो देखता है ये कौन सा है, और ये एमिनो एसिड ये बॉल जो है ये आपको एमिनो एसिड दिख रहा है, अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइसिन इज वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, तो ये एमिनो एसिड वो कोड जो मैच करता है, ये देखो ये जो ऐसे है ना पजल्स की तरह,
तो जो मैच करेगा उस हिसाब से वो एंटीकोडन से देख के वो वाला एमिनो एसिड सप्लाई करेगा। ये एमिनो एसिड्स ये बेसिक फॉर्म है जिससे प्रोटीन बनता है, तो एमिनो एसिड्स जुड़ जुड़ के फाइनली प्रोटीन बनता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन किया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन आर बॉडी, तो वही हमारे ये आंसर में है। तो ट्रांसलेशन का डेफिनेशन देखा, ट्रांसलोकेशन जो थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एमिनो एसिड टीआरएनए लेकर आए हैं वो सब बॉन्ड किए जाते हैं, दे आर ज्वाइन किए जाते हैं, जैसे हम फेविकॉल या ग्लू से कुछ चिपकाते हैं ना, हर एक बॉल को चिपका रहे, तो वैसे ये बॉन्ड किए जाते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज लाइक फेविकॉल ऐसे। तो एमिनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। अब तीसरा, पहले मैसेंजर आरएनए था, फिर टीआरएनए था, अब ये आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है, तो आरआरएनए के हेल्प से ये सारे ज्वाइन हो जाते हैं। तो राइबोसोम जो होता है ना, ट्रांसलोकेशन हमने देखा कोरिलेशन में भी के मूवमेंट ऑफ राइबोसोम जो होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ राइबोसोम। तो यही लिखा है यहाँ पे, देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रिपलेट कोडॉन वगैरह का डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड ने पूछ चुका है पहले, तो ये सवाल शायद ना आए। ये देखिए यहाँ पे ट्रांस ट्रिपलेट कोडॉन का भी डेफिनेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड, मतलब जो हमने बोला ना हर एक इंग्रेडिएंट का कोड होता है, वो कोड तीन न्यूक्लियोटाइड से बना है, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना जी टी टी ए, तो कुछ भी हो सकता है वो ए सी टी ए सी टी ए जी ऐसे कुछ भी, तो वो जो कोड होता है उसे ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये हमारा डेफिनेशन ट्रांसलोकेशन का ही डेफिनेशन हमें लिखना है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ट्रिपलेट कोडॉन का भी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है म्यूटेशन का, ये सब वन वन मार्क के सवाल है। म्यूटेशन का सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अपने जीन्स या मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा एक जीन होता है, तो जीन अगर एक कोई भी न्यूक्लियोटाइड अपना पोजिशन चेंज कर देता है तो उसकी वजह से थोड़ा माइनर चेंज आ जाएगा ऑर्गेनिज्म में, तो दैट माइनर चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन का डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट सेट हमारा है गिव साइंटिफिक रीजंस, तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 2 मार्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2A होगा गिव साइंटिफिक रीजंस, तो उसमें ये चैप्टर से क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस, ये देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया हमारे क्वेश्चन बैंक में वो है सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब क्या हुआ इसका कि थोड़े पेरेंट्स की जो खूबियां होती है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ट्रेट्स होते हैं, वो बच्चों में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चों में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं इसका रीजन दो, तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन हेरिडिटी है, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी का ट्रेट है, हेरिडिटी की वजह से होता है ये प्रोसेस होता है। क्यों होता है तो आगे वही लिख रहे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स। तो जीन्स की वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं। तो ये जो जब जीन्स की वजह से नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे, तो थोड़े जीन्स भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते सेम टू सेम विदाउट एनी चेंजेस। So some of the genes are transmitted to the next generation without any changes. Changes आ गए तो वो बच्चे में वो अलग अलग उसका characteristic होगा, लेकिन अगर without change आ गए तो वो same parent की character या characteristic वो बच्चे में भी आएगी। So due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offspring. अगर sudden change कुछ हो गया तो वो mutation होगा, उसकी वजह से फिर वो अलग characteristics transfer होगी, लेकिन थोड़ी characters same to same transfer होती है, तो उसको ये यही इसका रीजन है कि क्यों होती है, क्योंकि थोड़े जीन्स विदाउट चेंज ट्रांसफर होते पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। तो ये 4 पॉइंट्स का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेम हमारा टेक्स्ट बुक से ही हमने पॉइंट्स लिया है, ये एक्स्ट्रा है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट गिव रीजन है पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, गिव रीजन। तो पेरिपेटस क्यों कनेक्टिंग लिंक है, तो पेरिपेटस में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है इसीलिए वो कनेक्टिंग लिंक है, तो वही हमें लिखना है। इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विच इज सिमिलर टू एनेलिड। तो एनेलिडा भी जो हमारा चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम एक्चुअली ये देखेंगे चैप्टर 6 में कि कैसे एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है, उनका थिन क्यूटिकल कवरिंग होता है उनकी बॉडी पे, और पैरापोडिया, पोडिया मतलब पैर, पैरापोडिया मतलब पैर जैसे ऐसे हेयर लाइक या कैसे भी ऐसे थोड़ा होते हैं पैर होते हैं, तो पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं, तो वैसे ही पेरिपेटस में भी है एनेलिडा की तरह। तो ये फर्स्ट आंसर पॉइंट हुआ हमारा, एनेलिडा भी हम देखेंगे, पेरिपेटस का फोटो भी देखेंगे। ये देखिए पेरिपेटस है ना, सेगमेंटेड बॉडी थिन क्यूटिकल होता है कवरिंग इन पे, और ये पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं पैर जैसे ऐसे।
है ना, और एनेलिडा में भी ऐसे होता है, हम एनेलिडा को भी देखेंगे। ये क्या एनिमल्स इन फाइलम एनेलिडा, तो इनकी ये देखिए ऑर्थवर्म इज एन वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो ये इनके पास भी ये सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल होता है, और ऐसे ये पैरापोडिया है जैसे नेरेसिस में। तो ये जो एनेलिडा फाइलम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरिपेटस में है, और आर्थ्रोपोडा विच इज इंसेक्ट्स, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम की भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये पेरिपेटस में, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें, है ना। सो पेरिपेटस फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, ये तीन चीजें सिमिलर टू एनेलिडा। सिमिलरली पेरिपेटस ऑल्सो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया होता है जो विंड पाइप, हमारी बॉडी में भी विंड पाइप होता है, तो वैसे ये आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपॉड्स। तो आर्थ्रोपॉड्स की भी थोड़ी कैरेक्टर्स उसमें है, ये इंटरनल ऑर्गन है एक्चुअली, तो उसके दोनों की तरह वो पेरिपेटस हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो दो फाइलम है, दोनों के बीच का ऑर्गेनिज्म है ये, इसीलिए उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, हमने वो टेक्स्ट बुक से ही उठाया है, ये आपका आंसर यहीं से लिया है, थिन क्यूटिकल पैरापोडिया ये सब। तो ये आपका आंसर हो गया, तो ये आपका सेकेंड गिव रीजन हो गया फ्रॉम हेरिडिटी। देन थर्ड गिव रीजन है वर्टिब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, गिव रीजन। तो ये एक्चुअली आपका कार्बन डेटिंग मेथड में जो आपका पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस है वहां पे ही आंसर है। तो कार्बन डेटिंग मेथड जब यूज किया गया तो हमने फॉसिल्स का एज पता किया कि कितने पुराने फॉसिल है, कितने पहले ये ऑर्गेनिज्म थे। तो जब ये देखा तो इसे पता चला कि इनवर्टिब्रेट्स बहुत टाइम से प्रेजेंट है, बहुत वर्टिब्रेट से काफी पहले से। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, मतलब जो बैकबोन जो हम कहते हैं, तो वो नहीं है, तो उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स पहले थे, बाद में हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स बने। तो फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट इन लोअर लेयर्स ऑफ अर्थ स्ट्रेटा, है ना, पैलियोजोइक एरा में ये थे। और वर्टिब्रेट्स जो है अपर लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ स्ट्रेटा मतलब अर्थ के जो लेयर्स हम खोदेंगे नीचे नीचे, तो लोअर लेयर्स में इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं और अपर लेयर्स में वर्टिब्रेट्स मिलते हैं, लोअर लेयर्स में वर्टिब्रेट्स मिलते ही नहीं है। तो ये एक्चुअली आपका डायग्राम दिया है उसमें से ही ये लिया है, ये देखिए, देखिए आपकी बुक में ही लिखा है वर्टिब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, पर ऊपर इसका गिव रीजन का आंसर कुछ नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। तो गिव रीजन के लिए हमें ये डायग्राम देख के लिखना है, जैसे पैलियोजोइक एरा में ये देखिए इनवर्टिब्रेट्स मिले, मीजोजोइक सेनोजोइक एरा में फिर रेप्टाइल्स मैमल्स जो वर्टिब्रेट्स है उनके मिलते हैं, है ना, फॉसिल्स। तो ये इनवर्टिब्रेट्स जो नीचे ही सिर्फ है, वर्टिब्रेट्स इधर कोई है ही नहीं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो है ये पैलियोजोइक एरा में सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं और मीजोजोइक सेनोजोइक एरा में वर्टिब्रेट्स भी मिलते हैं। तो द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेज इन वर्टिब्रेट्स एज वी गो अप। तो इसी से पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, जो हमारा थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है चार्ल्स डार्विन का भी, कि लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स बने। और ये भी डकबिल्ड प्लैटिपस शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स, अगेन कनेक्टिंग लिंक का आंसर है। तो डकबिल्ड प्लैटिपस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रेप्टाइल्स की तरह क्या है कि वो एग अंडे देता है और उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, हेयर है मैमल्स की तरह, तो उसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डकबिल्ड प्लैटिपस शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स, तो हमारा चार पॉइंट का इसके लिए भी गिव रीजन हो जाता है। तो ये हमारे गिव रीजंस यहाँ पे कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हम ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे भी है हमारे गिव रीजंस क्या, क्वेश्चन टू भी मैं सॉल्व द फॉलोइंग, एम्ब्रायोलॉजी का शॉर्ट नोट है, कंप्लीट द डायग्राम का क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये सारा हम अभी बहुत बाकी है। तो ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है, सेकेंड हाफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।